हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा तीसरा लेक्चर है साइकोलॉजी का। इससे पहले मैं दो लेक्चर डाल चुका हूँ और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ कंटेंट। और किसी भी तरह की अगर फिर भी परेशानी है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो में लिखा हुआ है। ओके, तो आज आप ज़्यादा टाइम ना लेते हो, मैं आगे का अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो लास्ट क्लास में वैसे हमने पढ़ा था विकास के सिद्धांत तक। मैंने कहा था कि आज ही चैप्टर पूरा करा दूँगा, तो आज ये चैप्टर का लास्ट डे है। आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे कि किस किस चीज़ की वजह से हमारा जो विकास है वो प्रभावित होता है और विकास, ठीक है। और दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे विकास की अवस्था है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करना बोले तो कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बालक का विकास प्रभावित होता है, ठीक है। कि अगर किसी का ग्रोथ हो गई है या विकास अच्छा हुआ है तो वो क्यों हुआ है और किस चीज़ की वजह से हुआ है, और जिसका विकास नहीं हो पाया जिस किसी बालक का, तो किस वजह से अच्छा विकास नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें जो पहला है जो प्रभावित करता है विकास को, वो है बुद्धि। अब बुद्धि कैसे प्रभावित करती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो उच्च बुद्धि का बालक होगा वो तीव्र गति से विकास करेगा और जो मंद बुद्धि का बालक है वो रुक रुक के विकास करेगा। मतलब कि भाई जो तेज़ बुद्धि का बच्चा होगा उसका विकास तेज़ी से होगा। तेज़ बुद्धि वाला बच्चा हर चीज़ जल्दी सीखेगा और मंद बुद्धि वाला बच्चा जो है वो हर चीज़ आराम आराम से करेगा, विकास कभी रुकेगा तो नहीं। देखो यहाँ पे लिखा ना, रुक रुक कर, ख़त्म नहीं हो जाएगा उसका विकास कहीं पे, रुक रुक के आराम आराम से उसका विकास होगा मंद बुद्धि वाले का। अब इसी के लिए हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं टर्मन, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ पैरामीटर बताए हैं जिसको उन्होंने इंटेलिजेंट बच्चा या फिर कुशाग्र बुद्धि किसे किस बच्चे को कहा है, सामान्य बुद्धि वाला किस बच्चे को कहा है, ये कुछ पैरामीटर्स के बेस पे बताया है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये क्या है, चलना सीखना। उन्होंने बहुत से बच्चों पे अध्ययन किया होगा तब जाके ये रिज़ल्ट आया है कि चलना सीखना। अगर कोई बच्चा 13 महीने में, है ना, 13 महीने में चलना सीखता है तो वो कौन सा बच्चा होगा, वो इंटेलिजेंट या फिर कुशाग्र बच्चा होगा, कुशाग्र बुद्धि का बच्चा होगा। बट अगर कोई बच्चा ये हमारा 14 महीने में चलना सीखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, 14 महीने में चलना सीखता है तो वो क्या हो गया, सामान्य बुद्धि का बच्चा हो गया, एवरेज बच्चा, है ना। और कोई अगर 22 महीने में जाके चलना सीखेगा तो उसे हम मूर्ख बच्चे में गिनेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ गया आखिरी हमारा मूड बच्चा, जो कि 30 महीने में जाके सीखता है। 22 महीने में मूर्ख सीखेगा, 30 महीने में जाके मूड बच्चा या फिर इम्बसिल। मूर्ख को क्या कहते हैं, मोरोन, ठीक है। अब इसी तरह से इन्होंने एक और चीज़ पे अध्ययन किया कि बोलना, कौन सा बच्चा अगर जब बच्चा बोलना सीख रहा है तो जिस महीने में वो बोलना सीखेगा उसके हिसाब से वो इंटेलिजेंट, सामान्य, मूर्ख या मूड कहा जाएगा। तो कुशाग्र बुद्धि का बच्चा 11 महीने में जो बच्चा बोलना सीख लेगा वो कुशाग्र बुद्धि, जो 16 महीने में बोलना सीखता है वो सामान्य बुद्धि, और जो 34 महीने में सीखेगा वो मूर्ख, और मूड बच्चा कौन सा हो गया, वो जो 51 महीने में सीखेगा, ठीक है। ये सिंपल सा था, ये समझ में आ गया। पहला तो कारक ये हो गया बुद्धि। अब बुद्धि के बाद दूसरा कारक कौन सा हो गया, जातीय संस्कृति। हर किसी बच्चे का विकास उसकी जातीय संस्कृति पर निर्भर करता है। अब जहाँ पे जातीय संस्कृति अच्छी होगी या पुरानी होगी वहाँ पे बच्चे का विकास अलग तरह से होगा। इसको इस तरह समझते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है ना, इंडिया में जो बच्चों का विकास है वो अलग तरह से होता है,
और विदेश में जो विकास है वो अलग तरह से होता है। यहाँ पे जो लोगों की मेंटेलिटी है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा है, मतलब कि हम स्पिरिचुअल चीज़ों को की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जैसा कि हमारा इतिहास रहा है उसको देखते हुए, है ना। लेकिन बाहर की जो संस्कृति है वो फिज़िकल वर्ल्ड के लिए या फिर भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागती है ना। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जातीय संस्कृति जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी बच्चे के, बालक के विकास में। अब सीधी सी बात है, हर किसी का विकास वैसे होगा। अब मान लो कि हमारा जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, तो जैसा उनका व्यवहार रहा होगा वो कहीं ना कहीं हम में आ ही जाता है थोड़ा बहुत, चाहे बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे कि क्या क्या ये रहता है, किस पूर्वज से हमें कितना परसेंट मिलता है उनका, मतलब व्यवहार या कुछ, ठीक है। इसके बाद आ गया वर्ण। वर्ण क्या होता है? अच्छा, वर्ण का तो थोड़ा ऐसा है, इसे लिखो चाहे ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वर्ण जो बोला गया है, विदेशी ऐसा बोलते थे कि जो गोरे लोग होते हैं उनका विकास बहुत तेज़ी से होता है, उनमें बुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन जो गोरे लोग नहीं होते हैं उनका विकास या उनकी बुद्धि कम होती है। तो ये सच कोई फैक्ट मिला नहीं है, ये बस ये हमारे ये कुछ उस टाइम पे फॉरनर सब जगह राज करते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स का सब जगह राज था, तो वो यही सोच के उन्होंने ये दिमाग लगा दिया कि भाई जो गोरे हैं उनका विकास और बुद्धि तेज ज़्यादा होती है और जो गोरे नहीं होते उनका नहीं होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो क्या कहते हैं इतिहास है, जो हिंदुस्तानी इतिहास रहा है, हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारा जो वो कल्चर रहा है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, और उसमें विकास जो है, उसमें जो बुद्धि दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है और ऊंचे लेवल पे भी है, ठीक है। तो मैं ये वाला जो वर्ण का कंसेप्ट है ये, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ गया लिंग भेद। लिंग भेद बोले तो लड़का लड़की, सीधी बात, पहले तो सबका विकास लड़कियों का अलग तरह से होता है, लड़कों का अलग तरह से होता है, ये हम सबको पता है। देखो अब यहाँ जो लिखा हुआ है, जन्म के समय क्या होता है, लड़के लड़कियों से कुछ बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में, ठीक है। लड़का जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, लड़की कम बड़ी होगी, बट लड़कियाँ लड़कों से जल्दी बढ़ती हैं, ठीक है। लड़कियाँ लड़कों से जल्दी बढ़ती हैं, ये सबने सुना होगा। और इसके बाद एक और चीज़ है कि जो लड़कियाँ हैं उनमें प्यूबर्टी जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है लड़कों के मुकाबले। लड़के की प्यूबर्टी 15 साल की अवस्था में आती है तकरीबन, बट लड़कियों की पूर्व किशोरावस्था में, जो कि 9 से 12 साल होती है, ठीक है। किशोरावस्था बोले तो बिफोर एडोलेसेंस जो एज होती है, उसमें लड़कियों की प्यूबर्टी या फिर जैसे कहते हैं परिपक्वता आ जाती है, समझ गए। ये भी एक कारण है, कारक है, किसका, बुद्ध वो आपका विकास का, ठीक है। अब इसके बाद ये आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसका भी बहुत महत्व है, या फिर जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं विकास में। देखिए ग्रंथियों के द्वारा ही हमारा विकास पूरे शरीर का निर्भर करता है, दिमागी विकास भी ग्रंथियों की वजह से ही होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड जिसे हम गल ग्रंथि भी कहते हैं, और दूसरी है उपगल ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इस ग्रंथि के द्वारा ना कैल्शियम बनता है, कैल्शियम का सॉरी विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है पूरे शरीर में। अगर ये ग्रंथियाँ अगर हमारे शरीर में ना हो, ना पनप पाएँ, तो मांसपेशियों में ना थोड़ा खिंचावट ज़्यादा आ जाएगी, और जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं कैल्शियम है उसका पूरे अच्छे से हमारे शरीर में प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे विकास में।
इसके बाद आ गया पोषाहार। पोषाहार आप सभी को पता है पोषाहार का मतलब क्या होता है, जिसको ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा, वो उसका विकास अच्छा होगा। जिसको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे खाने में, उसका विकास नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अमीर घरों के बच्चे ज़्यादा विकसित होते हैं, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं या फिर मिडिल क्लास लोगों के बच्चे होते हैं, वो उतने ज़्यादा शारीरिक विकास उनका नहीं होता या दिमागी विकास उनका नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अच्छे परिवार से बच्चे होते हैं उनको खाने में प्रॉपर मिनरल्स वाला खाना, ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इससे युक्त खाना मिलता है, ठीक है ना, इससे युक्त पोषाहार मिलता है। बट जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या फिर गरीब तबके का बच्चा होता है, उसको ऐसा कुछ खाना नहीं मिल पाता है। अगर कभी मिल भी पाया तो ज़रूरी नहीं है रोज़ हर टाइम टू टाइम खाना मिले और आपको कि कितने रोज़ की प्रोटीन इनटेक आपकी पता रहे कि हाँ जी आपको रोज़ का इतना प्रोटीन खाना ही खाना है, तो ये सब कोई ध्यान नहीं देता गरीब बच्चे में या फिर मिडिल क्लास में। बट हाँ, ये अमीर घरों के बच्चे, अमीर परिवार जो है इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए उनके बच्चों का विकास अच्छा होता है। ये ऑन एन एवरेज बात हो रही है, कहीं ये मत समझना कि ऐसा ही होता आया है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेवेंथ पॉइंट है वो है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे अच्छे गांव में जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, शारीरिक और मानसिक तरह से वो थोड़े से अच्छे होते हैं। जहाँ पे शुद्ध वायु होगी, सूर्य का प्रकाश अच्छा होगा, तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा हमारे अंदर कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा, है ना, हमारा शरीर मजबूत होगा। शुद्ध वायु होगी तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे तो हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छी पहुंच पाएगी, तो दिमाग काम भी अच्छे से कर पाएगा, है ना, और शरीर मजबूत है तो हम उस शरीर को कितना यूज़ कर लें। बट जहाँ पे इसका अभाव होगा वहाँ पे विकास भी कम होगा, समझे। इसके बाद रोग और चोट, जिस बच्चे को ज़्यादा रोग होंगे बचपन में, उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास कम होगा और कम तेज़ी से होगा, ठीक है। जिसे ज़्यादा चोट लगेगी या ज़्यादा बड़ी चोट होगी उसका भी ऐसा रहेगा। अब ये आखिरी पॉइंट है, ये है परिवार में स्थिति। इसे ध्यान से देखना, परिवार में स्थिति लिखी है, ना कि परिवार की स्थिति, ठीक है। तो ये मैंने भी पढ़ते हुए मुझे लगा था कि शायद गलत लिखा है, बट नहीं, यहाँ पे इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि बच्चे की स्थिति कैसी है परिवार में। तो विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो छोटा बच्चा है उसका विकास जो बड़ा बच्चा है उसके मुकाबले तेज़ी से होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो बड़े को देखेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे सीखेगा, ठीक है। तो वो, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी ट्रायल एंड एरर की प्रैक्टिस, वो उन चीज़ों को देख के प्रैक्टिस करेगा या फिर अपने आप से कुछ ना कुछ देख देख के करता रहेगा, जिसे कहते हैं एक्टिंग, है ना। तो करता रहेगा तो उसका विकास बड़े के मुकाबले तेज़ी से होगा। मान लो कि बड़ा बच्चा अगर एक साल में चलने की कोशिश कर पाया है, वो किसी को देख के तो नहीं चला, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से जैसे भी चल पाया। बट वहीं अगर छोटा बच्चा है, उसका छोटा भाई है, उसने एक साल के बच्चे को या मान लो तीन साल के बच्चे को देखा है, दूसरा बच्चा एक साल का है, तो वो देख देख के अड़ोस पर अपने पास जो उसका भाई है उसे देखेगा कि चल रहा है, दो टांगों पे चल रहा है, तो वो भी कोशिश करेगा, है ना, तो वो भी कोशिश करेगा, तो उसका विकास तेज़ी से हो गया ऑटोमेटिकली, समझ गए जी। तो यहाँ आपके ये सारे पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं। और ये पॉइंट्स कौन से थे? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपके ख़त्म। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट रह गया है, जो कि है विकास की अवस्थाएँ। अब विकास की अवस्थाएँ ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बस हर किसी ने अपने हिसाब से ना उनका बता दिया है कि कब किस अवस्था को क्या कहेंगे, ठीक। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में क्या कहा है, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, जन्म से पहले क्या होता है, गर्भावस्था होती है,
ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर 0 to 6 ईयर्स या फिर जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं। अच्छा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस एज में कि क्या होगा, तो ऐसा मत समझना कि मैं बस बोलता ही चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे को क्या कहेंगे, बाल्यावस्था कहेंगे या फिर चाइल्डहुड कहेंगे उस अवस्था को, और 12 से 18 वर्ष में कौमार्य या फिर एडोलेसेंस, ठीक है। हिंदू धर्मशास्त्रों में जो है अवस्थाएं 4 हैं, पहली 0 to जन्म से पहले, फिर 0 to 6, फिर 6 to 12, फिर 12 to 18। पहली वाली को क्या कहेंगे, गर्भावस्था या फिर प्रेगनेंसी, दूसरी को इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था, फिर तीसरी को बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड, और चौथी को कौमार्य अवस्था या फिर एडोलेसेंस। याद हो गया, सिंपल सा याद हो जाना चाहिए, और ना भी हो तो इसे याद करना है, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि 0 से 6 वर्ष की उम्र को क्या कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, या फिर अगर एक नंबर का क्वेश्चन हुआ सीधा आपसे आंसर मांग रहा है तो इसका आंसर शैशवावस्था हो जाता है 0 से 6 में, है ना। अब आपको याद ही नहीं है तो आप ढूंढते रहोगे, परेशान होते रहोगे। तो अब ये हैं साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, ये है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उन लोगों को क्या लगता था कि किस अवस्था को क्या कहना चाहिए। अब यहाँ पे एक और साइकोलॉजिस्ट आ गए, ये मिस्टर रॉस। अब इनके हिसाब से किस अवस्था को क्या कहते हैं ये देख रहे हैं हम। फिर इसके बाद नीचे जॉन्स हैं, फिर उसके बाद अभी अगले पेज पे है वो है हरलॉक, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसके हिसाब से क्या है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे ये ऐसे पूछेगा कि रॉस के अनुसार कि इस एज को क्या कहेंगे, और इस हरलॉक के अनुसार क्या कहेंगे, जॉन्स के अनुसार या फिर हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार, समझ गए। चलिए इसे देखते हैं, 1 से 3, ठीक है, क्या हो गया, इन्फेंसी, यहाँ से शैशवावस्था 1 से 3, बट यहाँ पे 0 से 6 थी। फिर 3 से 6 प्री चाइल्डहुड कह दिया है, बट यहाँ पे सीधा चाइल्डहुड था। 6 से 12 पोस्ट चाइल्डहुड, जिसे हम उत्तर बाल्यकाल कहेंगे। 12 से 18 एडोलेसेंस, जिसे हम किशोरावस्था कहेंगे। तो क्या हो गया, रॉस के अनुसार भी 4 अवस्थाएँ हैं, पहली 1 से 3 जो शैशवकाल या फिर इन्फेंसी, 3 से 6 पूर्व का बाल्यकाल या फिर प्री चाइल्डहुड, फिर है तीसरी 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यकाल या फिर पोस्ट चाइल्डहुड, फिर आ गई चौथी और आखिरी 12 से 18 किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंस, समझ गए। अब इसके बाद आगे जॉन्स ने 3 दिए हैं, सिंपल हो गया। 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18। 0 से 5 शैशव, अच्छा पहली तो शैशव ही है, अगर जन्म हो गया है तो 0 से जो एज स्टार्ट होगी वो शैशव या फिर इन्फेंसी ही कही जाएगी, फिर शैशव के बाद बाल्यकाल आएगा या फिर चाइल्डहुड आएगा, उसके बाद किशोरावस्था आएगी। अब उन्होंने बीच में उन चीज़ों को तोड़ दिया कि जो बाल्यकाल है उसे क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यकाल या उत्तर बाल्यकाल, ऐसे तोड़ दिया, बट मेन जो है वो 3 ही हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सही से समझा लिया कि 0 से 5 वर्ष में शैशवावस्था होती है, जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं, फिर 5 से 12 साल में बाल्यकाल या फिर चाइल्डहुड, फिर 12 से 18 साल में किशोरावस्था या फिर एडोलेसेंस। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट इसे रट्टा ज़रूर मार लेना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि इसका रट्टा मारना है, और ये तुम्हारा सी टेट तक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी साइकोलॉजी में, कभी भी पूछ लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद ये आखिरी है, हरलॉक के अनुसार इन्होंने 7 दिए हैं, ठीक है। पहले में अभी तक 4 और 3 अवस्थाएँ दी थी, जॉन्स ने सिर्फ 3 दिए हैं, रॉस और हिंदू धर्मशास्त्र उन दोनों ने 4-4 दिए हैं, ठीक है। तो अब आखिरी आ गई हरलॉक की, इसके बाद हमारा आज की क्लास ख़त्म। तो पहली क्या है, जन्म से पहले गर्भावस्था सबको पता है, प्रेगनेंसी, 0 से 14 दिन ना कि वर्ष, 0 से 14 दिन इन्होंने प्रारंभिक शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी, इन्होंने इन्फेंसी को ही तोड़ लिया, ठीक है। 14 दिन तक की इन्होंने इन्फेंसी रखी, और 14 दिन से 2 साल तक इन्होंने इसे बेबीहुड या फिर उत्तर शैशवावस्था कह दिया, ठीक है। उसके बाद
फिर 2 साल से लेके 11 साल बाल्यावस्था, फिर अपना जैसे हम चलते आ रहे थे बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड, 2 से 11 साल हो गई, फिर 11 से 13 साल पूर्व एडोलेसेंस जिसे हम पूर्व किशोरावस्था कह दिया, 13 से 17 साल प्रारंभिक किशोरावस्था या फिर इनिशियल एडोलेसेंस, ठीक है। अब इसके बाद 17 से 21 साल उत्तर किशोरावस्था या फिर पोस्ट एडोलेसेंस। इन्होंने एडोलेसेंस और जो आपका इन्फेंसी है उसको बहुत ज़्यादा तोड़ा है। बाल्यावस्था अपनी एक ही रखी है इन्होंने 2 से 11 साल की, प्री और पोस्ट का कोई हिसाब नहीं डाला, पूर्व और उत्तर का, बट हाँ इन्होंने जो किशोरावस्था उसे ज़रूर तोड़ दिया है पूर्व प्रारंभिक और उत्तर में, पूर्व प्री प्रारंभिक इनिशियल और उत्तर पोस्ट। तो ये 21 साल तक खींच गए बच्चे को, लेकिन अभी तक जो था हमारा यहाँ पे 18 साल तक खींच रही थी, ठीक है जी। कोई डाउट किसी तरह की परेशानी तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके समझ आए चीज़, कंसेप्ट समझ में आना मेन थिंग है। तो अगर फिर भी कोई ऐसी परेशानी आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नंबर होगा और है, मैं बाकी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अपना नंबर, अगर परेशानी आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई थैंक यू सो मच, और होप कि आप घर में ही रहेंगे और सुरक्षित होंगे, सो थैंक यू सो मच।